जब एक इंसान एक अच्छा पति नहीं बन सकता है तो वो एक अच्छा बाप कैसे बन सकता है? अगर इस आदमी के साथ यथार्थ रहा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। देयर इज नो फ्यूचर फॉर हिम। ये तो अच्छा है, मिस आकांक्षा बड़ी मुश्किल से सही वक्त पर इनसे बचकर निकल गई है, लेकिन ये बात इनसे हजम नहीं हुई है, इसलिए अब मिस्टर मानव वाजपेयी अपने बेटे का इस्तेमाल करके मिस आकांक्षा से रिवेंज लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। मैं इस फोरम की एस्टीम्ड लेडीज से पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगी कि जब एक बच्चा अपनी मां से दूर हो जाता है तो उस बच्चे के सर से बचपन ही चला जाता है? और मुझे पूरा यकीन है कि ये एस्टीम्ड स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा नहीं होने देंगे एक बच्चे के साथ, उसकी लाइफ के साथ। यथार्थ वाजपेयी का सोल गार्डियनशिप उसकी मां मिस आकांक्षा को मिलना चाहिए, जो कि अपने बच्चे का ध्यान रखने के काबिल है, लायक है और हकदार भी। वैसे मैंने और बोर्ड मेंबर्स ने अपना डिसीजन ले लिया है, लेकिन फिर भी बिना बराबरी का मौका दिए फैसला सुनाना ठीक नहीं होगा। तो मिस्टर वाजपेयी, आप अपना पक्ष रखिए। मैं समझ रहा हूं कि आप सभी को एक मां का नजरिया तो समझ में आ गया, लेकिन आप एक मां या बाप के नजरिए से मत सोचिए, बल्कि एक 7 साल की उम्र के बच्चे के नजरिए सोचिए। एक ऐसे बच्चे के नजरिए से सोचिए जिसने अपना जन्मदिन तो अपने माँ बाप के साथ मनाया, लेकिन अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसकी माँ उसके साथ नहीं थी। मानव, मिस आकांक्षा, वो रातों रात उसे छोड़ के जा चुकी थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। उस बच्चे के नजरिए से सोचिए जिसकी माँ एक ही रात में उससे छिन गई। उस बच्चे के नजरिए से सोचिए जो घर में अपनी माँ को ना देखकर हर पल हर लम्हा बेचैन होता रहा, बार बार अपनी माँ को फोन लगाता रहा ये सोच के कि अभी सामने से उसकी माँ भी फोन उठाएगी और कहेगी कि बेटा रुको, वहीं रुको, मैं बस अभी आई। लेकिन उसे सामने से क्या सुनने को मिला? उस बच्चे की नजरिए से सोचिए जिसके डैडा को उसे झूठ बोलना पड़ा। क्योंकि उसमें वो हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपने बच्चे को बता सके कि बेटा आपकी मां किसी और आदमी के लिए आपको और मुझे छोड़कर जा चुकी। लेकिन ये बात उसे किसी और से पता चलती है। भाभी जी आपको और यतु को छोड़कर चली गई हैं क्या? और वो 7 साल का बच्चा सोचता है मेरे डैडा अगर मुझे रोते हुए देखेंगे तो वो टूट जाएंगे। अपनी टेंशन मत लेना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना दादा, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ अकेले। इसलिए वो अंदर ही अंदर रोता है। आप मुझे बिना बताए चली गई। क्योंकि वो टूट चुका है तो अब उसके शब्द भी टूटने लगते हैं, वो हकलाने लगता है। मैं बड़ा हो गया हूँ ना दादा, ने मुझे नया फोन भी गिफ्ट किया है। कहते हैं कि
जब चोट लगती है तो सबसे पहले शब्द मुंह से मां निकलता है, लेकिन उस बच्चे को क्या पता कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट उसकी मां ही देगी। ये इतना बैड बॉय है, इसकी मम्मी इसको छोड़कर चली गई। और फिर एक दिन वो 7 साल का बच्चा अपने 34 साल के बाप के आंसू पोंछता है और कहता है, डैडा मैं जानता हूं मां आप कभी लौट के वापस नहीं आई। इसलिए डैडा आज के बाद हम उसके लिए नहीं रोएंगे। डैडा हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आकांक्षा रिलैक्स यार, ये सपना है। Just stay patient, relax, smile. Respected sir, ma'ams, I believe आप लोग भी parents हैं, इसलिए आप लोग जानते हैं माँ बाप के मन में सोते जागते अपने बच्चे की भलाई चलती रहती है। वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या कर दें कि मेरा बच्चा हमेशा आगे रहे। वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा सेफ रहे। माँ बाप की हर सांस में अपने बच्चे की बेहतरी छुपी होती है। मैं भी अलग नहीं हूं, मैं भी अपने बच्चे की सिर्फ भलाई चाहता हूं। उस बच्चे को अभी तैरना भी नहीं आता और उसे अभी समुंदर की गहराई में फेंक दिया गया। मैं बस उसे डूबने नहीं देना चाहता। मुझे बस थोड़ी मोहलत दे दीजिए कि मैं अपने बच्चे को इस तूफान से बाहर निकाल सकूं। एक मां को उसके बच्चे से मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अभी इनकी हर मुलाकात मेरे बच्चे के दिलो दिमाग में सिर्फ जख्म देगी और कुछ नहीं। सर एक बार मेरा बच्चा दुनियादारी समझ जाए, उसके बाद मेरा बच्चा अपनी माँ से मिलता, मुझे कोई एतराज नहीं है। सर मैं जानता हूँ एक वाइफ एक्स वाइफ हो सकती है, लेकिन एक माँ कभी एक्स माँ नहीं होती, माँ माँ ही रहती है। और मैं आप सबसे वादा करता हूँ, एक बार मैं अपने बच्चों को इस ट्रॉमा से निकाल लूँ ना, उसके बाद मैं खुद अपने बच्चे को उसकी माँ से मिलाने ले जाऊंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.